Welcome again, dear students. In this lecture, you will be able to learn about the taxonomic procedure. But first of all, I would like to remind you about the term taxonomy. Taxonomy is a science of classification of organisms, that is biological classification. The term taxonomy is derived from two Greek letters. The first letter is taxis, which means arrangement, and the second letter is nomos, which means law. Therefore, taxonomy is the principles of systematic zoology and botany and sets up arrangements of different types of organisms in their hierarchical order. According to Ernest Mayr, 1982, taxonomy is the theory and practice of classifying organisms. By the taxonomy, scientists can identify the species which are useful as well as harmful to us. Taxonomic procedures generally have three important steps, and these steps are collection, identification, and preservation. In the collection process, scientists collect the plants, animals, and microbes from their original habitat for proper identification. Collection is the process in which we collect the plants and animals for identification purpose. Following points should be considered during the collection of organisms for taxonomic purpose. अब सबसे पहला स्टेप कौन सा है? कलेक्शन. तो कलेक्शन हमें किसका करना है? जिसको हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, जिसकी हम टैक्सोनॉमी करना चाहते हैं. तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको हमारे को टैक्सोनॉमी के टाइम पे, कलेक्शन के टाइम पे हमारे को क्या करना चाहिए? कंसिडर करना चाहिए, अपने दिमाग में रखना चाहिए. पहला है, केयर शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट स्पेसिमेंस आर अनडैमेज्ड. हमारा पर्पज होना चाहिए पहले कि कोई भी स्पेसिमेन, चाहे वो प्लांट्स स्पेसिमेन है या एनिमल स्पेसिमेन है, वो अनडैमेज्ड रहे, उसके टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स डैमेज ना हो. दूसरा है, रिसर्चर शुड हैव नॉलेज अबाउट द पॉइजनस एंड टॉक्सिक स्पीसीज. नेचर में बहुत सारी पॉइजनस और टॉक्सिक स्पीसीज पाई जाती हैं, दोनों में, प्लांट्स में या एनिमल्स में ये स्पीसीज होती हैं. तो रिसर्चर को उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी स्पीसीज उसके लिए हार्मफुल हो सकती है और कलेक्शन के टाइम पे उसको हार्म कर सकती है. थर्ड पॉइंट है, आइडेंटिफिकेशन शुड बी डन एज क्विक एज पॉसिबल. ये पॉइंट इसलिए महत्वपूर्ण है कि आइडेंटिफिकेशन बहुत, जितना हम जल्दी से जल्दी कर सकें उतनी जल्दी हमारे को उसकी पहचान कर लेनी चाहिए. क्यों? क्योंकि फ्रेश स्पेसिमेन में हमारे को टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स जो है वो बहुत आसानी से मिलते हैं और बहुत फ्रेश मिलते हैं. फोटोग्राफी इफ रिक्वायर्ड शुड बी कंडक्टेड ऑन स्पॉट. जब हम कलेक्शन के लिए जाते हैं तो हमारे को ये कोशिश करनी चाहिए कि जिसका हम फोटोग्राफ बहुत अच्छे से ले सकें, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसको स्पॉट पे हमें उसकी फोटोग्राफी करनी चाहिए. डू नॉट लार्ज लिविंग एनिमल्स इन स्मॉल कंटेनर्स, दिस विल रिजल्ट इन डैमेज टू देयर सर्फेसेस और अपेंडिसेस. हमारे को लार्ज साइज के एनिमल्स को किसी स्मॉल कंटेनर में कलेक्ट नहीं करना चाहिए, उससे उसके जो इम्पोर्टेंट अपेंडिसेस हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, उसके सरफेस पे कोई डैमेज हो सकता है, इसलिए हमारे को अवॉइड करना चाहिए स्मॉल कंटेनर्स और ऐसे कंटेनर्स यूज करने चाहिए जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स इजिली हम कलेक्ट कर पाए. ब्रिंग द स्पेसिमेन इन लेबोरेटरी एज क्विक एज पॉसिबल. हम कलेक्शन के बाद ये कोशिश करते हैं कि हम बहुत जल्दी से जल्दी कलेक्टेड मटेरियल को अपनी लेबोरेटरी में लाएं. अब बात करते हैं प्लैंकटन और बेंथोस को कैसे कलेक्ट किया जाता है. आपको इकोसिस्टम में मैंने कहा था कि प्लैंकटन जो है वो सरफेस ड्वेलर्स होते हैं और जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम के सरफेस पे पाए जाते हैं. द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूटिंग प्लैंकटन आर कॉल्ड प्लैंकटर्स. दे प्रोवाइड अ क्रूशियल रोल source of food to many small and large aquatic organisms. Plankton are categorized as phytoplankton and zooplankton. Phytoplankton may include chlorophyce, cyanophyce, basilariophyce, and the examples of phytoplankton are Spirogyra, Enchistrodesmus, Eulothrix, Anabina, Neustroc, Synedra,
and Gomphonema. These are microscopic plants and main producers of aquatic ecosystem. किसी भी जल के पारिस्थितिक तंत्र में जो phytoplankton होते हैं वो मुख्य उपभोग उत्पादक होते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पूरी कम्युनिटी जो वहां पर रह रही है वो phytoplankton के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। Zooplankton are the microscopic animals and may include Daphnia, Vorticilla, Euglena, Paramecium, Arcella, Cyclops. And these zooplanktons are belong to rotifers, cladocerans, protozoans and copepods. The collection of plankton may done with the help of plankton net. हम plankton का collection plankton net की मदद से करते हैं। सबसे पहले plankton net को John वॉन थॉमसन ने डेवलप किया था, और इसमें ये बिल्कुल सिंपल नेट की तरह होता है, लेकिन इसमें जो इसका साइज है नेट का वो 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है। इसकी वजह से इसमें माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स और प्लांट्स को हम क्या कलेक्ट कर सकते हैं। हाउएवर इन यूट्रोफिक वाटर कंडीशन अ प्लैंकटन नेट विद अ मैस लार्जर देन 100 माइक्रोमीटर शुड बी चूजन टू अवॉइड क्लॉगिंग द नेट। और जो यूट्रोफिक कंडीशन जहां पर है, यूट्रोफिक का मतलब होता है जहां पर एल्गल ग्रोथ बहुत ज्यादा है, वहां पर हम 100 माइक्रोमीटर के नेट को इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमारे नेट में क्लॉगिंग ना हो। अब हम इस फाइटोप्लैंकटन कुछ जो प्लैंकटन नेट है वो इस तरह का दिखता है, और ये जो पहला फिगर है इसमें दिखाया गया है कि कैसे हम हॉरिजॉन्टल सैंपलिंग करते हैं प्लैंकटन की। और दूसरे फिगर में अब आप देखेंगे तो जो ये येलो सर्कल है इसके अंदर ये कलेक्टिंग ट्यूब है, इसमें सारे के सारे फाइटोप्लैंकटन और जूप्लैंकटन कलेक्ट हो जाएंगे, फिर हम इनको फर्दर एनालिसिस के लिए लेबोरेटरी में ले जाते हैं। बात करते हैं बैंथोस को कैसे कलेक्ट किया जाता है, लेकिन सबसे पहले हमारे को कलेक्शन करने से पहले एक बात पता होनी चाहिए कि इनका हैबिटेट कहाँ पर है। बैंथोस कहाँ पाए जाते हैं, बैंथिक जोन में पाए जाते हैं जहां पर कि सेडिमेंटेशन होता है, जहां पर किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में सेडिमेंट होता है बॉटम में, वहां पर बैंथोस पाए जाएंगे। द टर्म बैंथोस इज वाइडली रेफर टू ऑर्गेनिजम्स विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद बैंथिक जोन इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। Benthos are also classified as phytobenthos and zooxanthos. The example of phytobenthos is seaweed, and the examples of zooxanthos are polychaete worms, bivalves, echinoderms, sea anemones, corals, sponges, sea squid, turbellarians, crabs and lobster. Benthic organisms are sessile in general and slow moving in nature. ये क्या होते हैं, जनरली सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब होता है अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहते हैं और ज्यादा मूव नहीं करते हैं। अब इस डायग्राम में आप सबसे नीचे अगर देखेंगे तो यहां पर सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती है, सेडिमेंट यहीं पे जमा होता है किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में, और यहीं पर बैंथोस हमारे को मिलेंगे। तो यहां से हमारे को सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा। In the collection of benthos, the samplers should be such that they penetrate well into the sediments to a sufficient depth in order to capture the organisms inhabiting in that area. तो इसके लिए हमारे को collect करने के लिए हमारे पास दो equipment है, पहला है Ekman dredge और दूसरा है Van Veen grab sampler. दोनों एक ही principle पे काम करते हैं, इसमें दो boxes से ये बनता है, और जो पहला वाला Ekman dredge है इसका वेट बहुत ज्यादा होता है, तो जैसे ही हम इसे एक्वेटिक इकोसिस्टम में पेनिट्रेट करते हैं और जब ये सबस्ट्रेटम से टकराता है तो इसके दोनों चैम्बर खुल जाते हैं, स्प्रिंग एक्शन से खुलते हैं ये, और सडनली फिर से क्लोज हो जाएंगे। तो इसके बीच में वहां पर जो सेडिमेंट है वो इसमें हम कलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज द कॉमनेस्ट ग्रैब डिवाइस फॉर यूज इन मडी बॉटम्स एंड डेवलप्ड बाई Ekman इन द ईयर 1911. The two valves which are kept open against very strong spring action by means of two chains are closed from the above by means of a weight. Immediately after this operation, one can pull the grab out of the bottom and finally out of the water column. तो हम फिर इसे पुल करके बाहर निकाल देते हैं, हमारे पास वो पूरा का पूरा
सेडिमेंट आ जाता है उसी से हम कलेक्ट करेंगे फिर बेंथोस को। दूसरा इसी का मॉडिफिकेशन है, ये थोड़ा सा वेट में कम होता है और ये जनरली 20 सेंटीमीटर डीप सैंपलिंग के लिए उपयोगी है। इसको डेवलप किया था जॉन वैन वीन ने 1933 में। तो ये दो वेरी इंपॉर्टेंट जो प्लैंकटन और बेंथोस है, इनको हम प्लैंकटन नेट और एक्मेंड्रेज और बैन वीन ग्रेव सैंपलर के द्वारा कलेक्ट करते हैं। कुछ एनिमल्स बहुत जेंटल होते हैं और जो पॉइजनस नहीं होते हैं उनको हम बाय हैंड भी कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम बाय हैंड कलेक्ट कर सकते हैं। एनिमल्स में ऐसे एनिमल्स जैसे स्पॉन्जेस हैं, कुछ मेंबर्स सेलेंट्रेट्स के हैं या एम्फीबियंस हैं, इनको हम, या मोलस्का के एनिमल्स हैं, इनको हम बाय हैंड भी कलेक्ट करके लेबोरेटरी में ला सकते हैं। अब बात करते हैं इंसेक्ट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इंसेक्ट्स ह्यूमन बीइंग के लिए और ये हार्मफुल भी पाए जाते, हार्मफुल इंसेक्ट्स भी हैं और कुछ यूजफुल इंसेक्ट्स भी हैं। तो ये हर तरह के हैबिटेट में रहने के लिए अनुकूलित हैं, जैसे कि ये टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी पाए जाते हैं और एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी पाए जाते हैं। अब टैक्सोनोमिस्ट इनमें इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स क्या है, हार्मफुल भी है और यूजफुल भी है। कुछ यूजफुल इंसेक्ट जैसे कि हनी बी, सिल्क वर्म, लैक इंसेक्ट और कुछ पोलिनेटर्स, ये ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। हार्मफुल इंसेक्ट्स की बात करें तो जैसे मॉस्किटोज, क्योंकि ये वेक्टर बॉर्न डिजीज मलेरिया जैसी डिजीज को स्प्रेड करने का काम करते हैं। टर्माइट्स हैं, एफिड्स हैं, बफेलो ट्री होपर्स हैं, ये क्रॉप को हार्म करते हैं। तो ये इसलिए इंसेक्ट के टैक्सोनॉमी बहुत ज्यादा की जाती है। तो बात करते हैं कि हम कैसे इंसेक्ट को कलेक्ट कर सकते हैं। पहला मेथड है हैंड कलेक्टिंग। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि कुछ हार्मफुल इंसेक्ट को छोड़ के जो जेंटल इंसेक्ट्स हैं उनको हम बाय हैंड भी कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इंसेक्ट कहीं बाइट तो नहीं करता, कहीं इसमें स्टिंग तो नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो हम उसे इजीली कलेक्ट कर सकते हैं बाय हैंड। दूसरा इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है एस्पिरेटर्स। इंसेक्ट्स दैट रेयरली फ्लाई माइट आल्सो बी इजीली कलेक्टेड यूजिंग दिस डिवाइस। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास बॉटल और टेस्ट ट्यूब एज रिक्वायर्ड ऑफ द डिजायर्ड डायमीटर एंड लेंथ। अब इसे हम लेबोरेटरी में भी डेवलप कर सकते हैं ऐसे एस्पिरेटर्स को। हमारे को इसके लिए एक जार चाहिए और दो ट्यूब्स चाहिए। अब हम दो ट्यूब इसमें फिट करते हैं अपने अनुसार कि कितने लार्ज साइज का हमारे को इंसेक्ट पकड़ना है और कितने स्मॉल साइज का इंसेक्ट कलेक्ट करना है, उसके हिसाब से हम इनको वेरी कर सकते हैं। अब ये जो ट्यूब है पहली वाली, इसको हम उस इंसेक्ट के पास ले जाएंगे और इस वाली ट्यूब से हम उसे सक करेंगे, तो ये वाला इंसेक्ट क्या है, बॉटल में कलेक्ट हो जाएगा। यहां पर हमने एक फाइन मेम्ब्रेन लगा रखी है जिससे वो दूसरी वाली ट्यूब में इंटर न करें जिससे हम सक कर रहे हैं। तो ये भी एक मेथड है इंसेक्ट को कलेक्ट करने का। इंसेक्ट जो है बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हम इनको नेट के थ्रू कलेक्ट करते हैं तो ये बहुत तेजी से मूव करते हैं, जिससे इनके टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स जो कि एंटीना है या विंग्स है या उसमें और अपेंडिसेस हैं, इनके टूटने का डर रहता है। तो इसके लिए हमारे पास इंसेक्ट किलिंग जार होती है जिससे कि हम ये मटेरियल्स की मदद से बना सकते हैं। बॉटल विद वाइड माउथ, ऐसी बॉटल हमारे को चाहिए जिसका मुंह बहुत चौड़ा हो, जिसमें हम इजीली बड़े इंसेक्ट को भी पुट कर सके। दूसरा कॉटन चाहिए हमारे को, टिश्यू पेपर चाहिए और ये उनको अनकॉन्शियस करने के लिए केमिकल चाहिए। जनरली हम क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, साइनाइड बहुत कम यूज होता है। ये जो बहुत हायर लेवल पे स्टडी कर रहे हैं रिसर्चर्स जो बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं, वो लोग साइनाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बॉटल में सबसे नीचे कॉटन की लेयर लगा देंगे जिसमें हम कुछ ड्रॉप क्लोरोफॉर्म की डालेंगे, फिर उसके ऊपर हम टिश्यू पेपर को कवर कर लेते हैं और टिश्यू पेपर को कवर करने के बाद हम इसको एयर टाइट कर देते हैं। रबर स्टॉपर ये लिखा हुआ है, इससे हम क्या कर देंगे, एयर टाइट कर देंगे बॉटल को। अब जैसे ही हमने कोई इंसेक्ट कलेक्ट किया तो इस रबर स्टॉपर को खोल के और जल्दी से हमने इसमें ट्रांसफर कर देना उस इंसेक्ट को, तो वो अनकॉन्सियस हो जाएगा, उसके टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स सेफ रहेंगे।
सिफ्टर्स का इस्तेमाल भी कुछ सॉयल में पाए जाने वाले इंसेक्ट को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। सिफ्टर्स का मतलब होता है छानना, छानना और बीनना। तो सिफ्टर्स आर यूज्ड फॉर कलेक्टिंग कंसंट्रेटेड क्वांटिटीज ऑफ लिटर एंड सॉयल कंटेनिंग मेनी इंसेक्ट स्पीसीज। टू यूज द सिफ्टर रिमूव द लेयर ऑफ ह्यूमस सॉयल लिटर फाउंड इमीडिएटली बिलो द लेयर ऑफ लीव्स एंड पुट इट इनटू द सिफ्टिंग पैन। तो इसमें हम अलग अलग साइज के इंसेक्ट को कलेक्ट कर सकते हैं। किक और डिप नेट है, ये एक्वेटिक इंसेक्ट को जनरली हम इससे कलेक्ट करते हैं। दिस टाइप ऑफ नेट्स आर वेरी वर्सटाइल फॉर कलेक्टिंग दिस शैलो फ्लोइंग वाटर। जनरली दीज डिवाइसेज आर यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव सैम्पलिंग, ऑल्दो व्हेन यूज्ड विद स्टैंडर्डाइज्ड किकिंग टेक्निक दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर सेमी क्वांटिटेटिव सैम्पलिंग। क्लेम रैक्स, बड़े साइज के जो इंसेक्ट्स हैं और जो कहाँ पर पाए जाते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम या कुछ मॉलस्क हैं, उनको कलेक्ट करने के लिए क्लेम रेक का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा कलेक्शन नेक्स्ट आता है, कलेक्शन ऑफ फिशेज। फिशेज का कलेक्शन भी टैक्सोनोमिस्ट करते हैं, क्योंकि फिशेज जो है इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्वेटिक इकोसिस्टम की की स्पीसीज है। फिशेज आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एंड फाउंड इन एवरी टाइप ऑफ वाटर सच एज फ्रेश वाटर, एस्चुराइन वाटर एंड मैराइन वाटर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स ऑफ फिशेज आर फिन्स एंड स्केल्स। द कलेक्शन ऑफ फिशेज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ फिश, हैबिटेट ऑफ फिशेज। तो डिपेंड किस पे करता है इनका कलेक्शन, एक तो साइज कितना बड़ा है फिश का और उसका हैबिटेट क्या है। ऑब्वियसली हर फिश का हैबिटेट एक्वेटिक होगा, लेकिन एक्वेटिक में भी अलग अलग माइक्रो हैबिटेट होते हैं, जैसे कई सरफेस ड्वेलर्स हैं, कई बॉटम फीडर्स हैं, कई स्टोन के नीचे रहती हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग फिशेज की स्पीसीज रहती हैं। तो इस पे डिपेंड करता है कि हम कलेक्ट कैसे करें फिशेज को। इलेक्ट्रोशॉकिंग इज प्रोबेबली द बेस्ट मेथड टू यूज फॉर जनरल फिश सर्वे व्हेन देयर इज नो स्पीसीज स्पेसिफिक टारगेट स्पीसीज। इलेक्ट्रोफिशिंग इज द कॉमन साइंटिफिक सर्वे मेथड यूज्ड टू सैंपल फिश पॉपुलेशन टू डिटरमाइन अबंडेंस, डेंसिटी एंड स्पीसीज कंपोजिशन। When performed correctly, electrofishing result in no permanent harm to fish, which return to their natural state in as little as 2 minutes after being caught. तो ये जो है फिशेस को कलेक्ट करने का एक तरीका है इलेक्ट्रोशॉकिंग। सीन नेट्स सर्कुलर टाइप का होता है और कहाँ पर यूज किया जाता है, जहाँ पे थोड़ा वाटर करंट स्लो हो और शोर हैबिटेट पे, शोर का मतलब किनारे पे हम इसका यूज करते हैं। ट्रैप नेट्स माइग्रेटरी फिशेज को कलेक्ट करने के काम आता है। गिल नेट्स में गिल को एंटेंगल करके, गिल को फंसा के कई साइंटिस्ट इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें गिल्स थोड़ा सा डैमेज होते हैं। कास्ट नेट, ये कास्ट नेट है, इसे थ्रो नेट भी बोला जाता है, क्योंकि इसको इस स्टाइल से, इस स्किल से फेंकना पड़ता है कि जिससे ये नदी में या किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम में बहुत इजिली से इमर्ज करे और वहां से फिशेस को कलेक्ट करे। Fishes are caught as net is hauled back in. This simple device is particularly effective for catching small baits or forage fishes. तो इस तरह से हम कलेक्शन करते हैं प्लांट्स का और एनिमल्स का। अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन, जो हमने कलेक्शन किया है उसको पहचानना। तो किससे हम उसको पहचानेंगे, उसके टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स की वजह से पहचानेंगे। टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन इज द रिकॉग्निशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म थ्रू प्रॉपर टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स। अब सपोज हमने फाइटोप्लैंक्टन कलेक्ट किए थे या एल्गी कलेक्ट की थी, तो उसमें हम माइक्रोस्कोपिक है तो माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स हैं, इसमें इसका फिजिकल फीचर क्या है और उसमें सेल वॉल कैसी है, इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पिगमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए एल्गी में अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, कोई ग्रीन कलर का होगा, कोई ब्लू ग्रीन होगा, कोई ब्राउन कलर का होगा, उसी के बेसिस पे एल्गी का क्लासिफिकेशन भी है, साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, बेसिलियोफाइसी, रोडोफाइसी, जेंथोफाइसी। तो इस पिगमेंट को हम देख के एल्गी की टैक्सोनॉमी करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या है सेल के और थैलस के, उसका हैबिटेट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टैक्सोनॉमी करने में। फ्लैजला, नंबर एंड लोकेशन ऑफ दियर इंसर्शन इन मोटाइल सेल, जो मूव करने के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन उनमें फ्लैजला प्रेजेंट है,
उसके नंबर्स कितने हैं और उसकी लोकेशन क्या है और उनका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर क्या है, इनके बेसिस पे हम एल्गी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई अगर हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट है तो उसके लिए हम फ्लोरल फॉर्मूला का यूज करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ सेपल्स, नंबर ऑफ पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम और ओवरी इंफीरियर है या सुपीरियर है, कितने पेटल्स हैं, इसके बेसिस पे हम फ्लावरिंग प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। शेप ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का शेप किसी एल्गी में कैसा है, स्पाइरल शेप है या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस टाइप का शेप है उसका, तो इसके बेसिस पे भी हम करते हैं। लीव्स कैसी है उसकी, मोनोकोटिलीडॉन है या डाइकोटिलीडॉन है, सीड्स उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, अगर है तो नेकेड सीड्स है या सीड कोट उनमें प्रेजेंट है, रूट कैसी है, राइजोइड्स उसमें प्रेजेंट है, वैस्कुलर बंडल्स अब्सेंट है या प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे हम किसी प्लांट की टैक्सोनॉमी करते हैं और उस प्लांट को स्पीसीज लेवल तक आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे प्रोटोजोअन्स आपने कलेक्ट किए किससे, प्लैंकटन नेट से, तो इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स कौन से हैं, फ्लैजेला है, सीलिया है या स्यूडोपोडिया है, इसके बेसिस से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियस उसमें कितने हैं, मल्टी न्यूक्लिएट है वो या यूनि न्यूक्लिएट है, कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं जैसे पैरामीशियम मल्टी माइक्रो न्यूक्लिएटम, तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें न्यूक्लियस कितने हैं प्रोटोजोअन्स के लिए। अगर उसमें क्लोरोफिल है सपोज तो वो युग्लिना के टाइप का होगा। अब स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे को रेफरेंस बुक हमारे पास होती है जिससे हम डायग्राम को मैच करके और स्पीसीज लेवल तक उसे आइडेंटिफाई करते हैं। हमने बहुत सारे इंसेक्ट्स कलेक्शन की टेक्निक बताई। अब आपने इंसेक्ट अगर कलेक्ट किए हैं तो माउथ पार्ट्स को देख के हम पहचानते हैं कि ये किस ऑर्डर का होना चाहिए। माउथ पार्ट्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, साइफनिंग टाइप, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, स्पॉन्जिंग टाइप, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। साइफनिंग टाइप माउथ पार्ट्स बटरफ्लाइज एंड मॉथ में मिलते हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप जो है वो मॉस्किटो में मिलते हैं, स्पॉन्जिंग टाइप हाउस फ्लाई में मिलते हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप किसमें मिलेंगे, कॉकरोच में या ड्रैगन फ्लाईज में मिलते हैं। तो इनके बेसिस से हम ये मॉर्फोलॉजी, ये टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स हैं, इनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा इंसेक्ट है। अपेंडेजेस उसमें कितने पियर है, एंटीना है प्रेजेंट या नहीं है, एंटीन्यूल है या नहीं है, कौन कौन से अपेंडेजेस उसमें प्रेजेंट है, केमिकल कंपोजिशन क्या है उसका, आईज है तो कैसी है, स्मॉल आईज है या लार्ज है, कंपाउंड आईज है या सिंपल आईज है, इसके बेसिस पे भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। फिशेज की टैक्सोनॉमी के लिए हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर इसमें बताए थे। एक तो इसमें फिन्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक, डॉर्सल, कॉडल, एनल फिन्स, और दूसरा स्केल्स। तो हमारे को इनकी इसमें फिन फॉर्मूला हमारे को देखना पड़ता है कि इसमें फर्स्ट डॉर्सल फिन में, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि फर्स्ट डॉर्सल फिन में हम इन फिन रेज को काउंट करेंगे, कितने नंबर में है ये फिन रेज, सेकेंड डॉर्सल में कितनी फिन रेज है, कॉडल फिन में कितनी फिन रेज है, एनल फिन में कितनी है, पेक्टोरल में कितनी है और पेल्विक में कितनी है, माउथ की पोजीशन कहां पर है, एंटीरियर माउथ है या किसी किसी फिश का डॉर्सल माउथ भी होता है, ऑपरकुलम प्रेजेंट है या नहीं है, ऑपरकुलम जो जनरली गिल को कवर करता है वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, इसके बेसिस पे भी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। और स्केल्स, स्केल्स डिफरेंट टाइप के स्केल्स पाए जाते हैं फिशेज में, जैसे प्लेक्वाइट, साइक्लोइड या टीनोइड, तो उनमें स्केल्स कौन से टाइप के हैं और अगर स्केल्स नहीं है तो उसे भी हमारे को कंसिडर करना पड़ेगा कि स्केल्स आर अब्सेंट, तो फिर हमारे को प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा कि हम किस तरह को, किस ऑर्डर में इसे ले जाएं, सिलुरिडी का है या सिप्रिनिडी का है, राइट। तो इसके बेसिस पे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं फिशेज का। एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस भी हमारे को जनरली तीन टाइप के एम्फीबियंस आपको देखने को मिलेंगे। एक तो होते हैं लिम्बलेस, जिनमें लिम्ब नहीं है और इनको केसिलियंस भी बोला जाता है, ये जिम्नोफियोना ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। दूसरे हैं एन्यूरंस, एन्यूरंस मींस टोड एंड फ्रॉग, जिनमें फोर लिम्स और हाइंड लिम्स तो प्रेजेंट है लेकिन टेल प्रेजेंट नहीं है। और थर्ड वन है सेलामेंडर टाइप, जिनमें फोर लिम्स प्रेजेंट है, हाइंड लिम्स भी प्रेजेंट है और टेल भी प्रेजेंट है। दीज सेलामेंडर्स आर बिलोंग टू यूरोडेला ऑर्डर, फिर हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं।
बर्ड्स, अगर आपने उसकी बहुत अच्छी फोटोग्राफ खींची है या आपने बर्ड कलेक्ट की है, तो इसमें क्या होगा, आप बीक के स्ट्रक्चर से इनको पहचान सकते हैं कि बीक इनकी किस टाइप की है। बीक सीड ईटिंग है, स्पैरो में सीड ईटिंग टाइप बीक होगी, क्रो में अलग टाइप की होगी, ये पैरट है, जैसे पैरट में फ्रूट ईटिंग टाइप बीक इसे बोला जाता है, ये फ्रूट्स को खाती है ऐसी वाली बीक। ये सिलेंडर कर्व बीक, ये जो बहुत अच्छी हमिंग बर्ड की बीक इतनी लंबी दिखाई गई है, ये क्या है, ये पॉलन ग्रेन्स को, ये फ्लावर्स पे फिट करती है, पॉलन ग्रेन को सक करती है, तो उसके लिए इतनी लंबी बीक है। कुछ बीक्स ऐसी होती हैं जो पिसीवोरस, इनको पिसीवोरस हैबिटेशन के लिए, हैबिट के लिए क्या करती है, एडेप्ट करती हैं, तो ये मछलियों को खाने वाली बीक अलग टाइप की होंगी, जैसे स्पून बिल डक में या किंगफिशर में। ईगल में आप देखेंगे तो इसकी बीक जो है आगे से थोड़ा सा कर्व होगी, जो कि फ्लैशी मीट खाने वाले कार्निवोरस की बर्ड्स की बीक इस टाइप की दिखाई देंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक करेक्टर्स हैं जिनके द्वारा हम किसी पक्षी को पहचान सकते हैं। इनमें जो फिट्स पाए जाते हैं वो अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं, कुछ आर्बोरियल एडेप्टेशन के लिए होंगे, कुछ एक्वेटिक एडेप्टेशन के लिए होंगे, और कुछ रेप्टोरियल मतलब दौड़ने के लिए होंगे। तो इनके बेसिस पे भी हम बर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। बात करते हैं कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी की, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और केमिकल टैक्सोनॉमी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अभी अभी टेक्नोलॉजी आई है जिसकी वजह जिसमें हम डीएनए की मदद से किसी स्पीसीज को आइडेंटिफाई करते हैं, और केमिकल टैक्सोनॉमी में हम केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे टैक्सोनॉमी करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स आर आइडेंटिफाइड विद दिस मेथड। तो मेडिसिनल प्लांट्स में टर्पिनोइड्स, एल्किनोइड्स, फ्लेविनोइड्स, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन से होते हैं, और इनके द्वारा हम मेडिसिनल प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब अगर हमने कलेक्शन कर दिया है, आइडेंटिफिकेशन कर दिया है, तो हमें इन प्लांट्स और एनिमल्स को प्रिजर्व करना होता है, इसलिए हमारे पास कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर्मलिन। फॉर्मलिन जनरली यूज किया जाता है जहां पर फ्रेशी एनिमल्स हमारे पास हैं, और इसको हम लगभग 10% सॉल्यूशन बनाते हैं, ये फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, और फिर हम उसमें जो हमारे इंसेक्ट को छोड़ के और बर्ड्स को छोड़ के हम फॉर्मलिन में जनरली सबकी प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो जो फ्लैश वाले हैं, जैसे फिशेज हैं, तो हम इसके गट में एक वैली रीजन में कट लगाते हैं जिससे फॉर्मलिन इंजेक्ट हो जाए बॉडी में, और इंजेक्शन के थ्रू भी हम इनकी बॉडी में इंटरनल विसरल ऑर्गन्स में फॉर्मलिन डालते हैं जिससे ये बहुत लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व हो जाए। इंडस्ट्रियल एल्कोहल का भी यूज किया जाता है, लेकिन एल्कोहल वहां पर यूज किया जाता है जहां पर कलर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी एनिमल और प्लांट के लिए कलर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कलर एल्कोहल की वजह से इनका कलर क्या हो सकता है, डिसअपियर हो सकता है। इंसेक्ट लार्वी एंड सॉफ्ट बॉडीड एंड एक्सट्रीमली टिनी स्पेसिमेन आर प्रेजेंट इन लिक्विड्स, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और इक्विवेलेंट इज बेस्ट, ऑल अदर आर प्रेजेंट ऑन स्पेशली डिजाइंड इंसेक्ट पिंस। और इंसेक्ट जो जिनमें फ्लैश ज्यादा नहीं पाया जाता, उनको हम इंसेक्ट बोर्ड में फिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिन से, तो ये सड़ते नहीं है। इनमें हम नेप्थिलीन बॉल का भी यूज करते हैं जो वहां पर फंगल ग्रोथ को रोकता है, जैसे यहाँ पे ये बोर्ड दिखाया गया है, इस तरह से इंसेक्ट को प्रिजर्व किया जाता है, और ये आपने अपनी लेबोरेटरी में देखे होंगे किस तरह से फॉर्मलिन में अलग अलग टाइप के एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है, राइट। तो इनमें एनिमल्स में एक बात होती है कि इनमें कहीं ना कहीं कट लगा होगा जिससे फॉर्मलिन बाहर ही नहीं रहे बल्कि इनके इंटरनल ऑर्गन्स तक चली जाए जिससे ये प्रिजर्व रहेंगे। अब लास्ट में एक बात करना चाहता हूं, ये आपको सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ना है, आप इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। इसे टैक्सोनॉमिक प्रोसीजर को जो लोग अपनाते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी पे काम करते हैं, बड़े बड़े रिसर्चर्स साइंटिस्ट इसमें काम करते हैं, उनको बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम इन एनिमल्स को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए है कि टैक्सोनॉमिकल प्रोसीजर में कौन कौन से स्टेप हैं और कैसे हम इनको
कैसे साइंटिस्ट इनको फॉलो करते हैं। थैंक यू।